हेलो फ्रेंड्स, वरुण हियर एंड वेलकम बैक टू थ्रिलर बॉन्सर। आज हम लोग काम करेंगे ऑन दिस ब्यूटीफुल गुलमोहर ट्री व्हिच इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट। आज हम लोग इसके ऊपर थोड़ा रिकवरी परफॉर्म करेंगे, देखेंगे इसके रूट्स कैसे हैं। एंड आई लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस ट्री। इट्स काइंड ऑफ स्पेशल टू मी बिकॉज यहाँ से मैंने बॉन्साई जर्नी स्टार्ट की थी। ये ट्री अपने आप जर्मिनेट हुआ था मेरे घर पे एक पॉट में, एंड उसको साढ़े चार साल हो गए रहेंगे। एंड मैंने उसको ग्रो होने दिया, काफ़ी टॉल हो गया, 6 फुट, 6.5 फुट। तभी मैंने उसको प्रून किया, तभी मुझे बॉन्साई के बारे में पता चला क्या होता है बॉन्साई। एंड दैट टाइम आई थॉट ऑफ मेकिंग इट एज अ बॉन्साई। यहाँ से मेरा इंटरेस्ट चालू हुआ बॉन्साई में। सो दिस इज दैट फर्स्ट ट्री जिसके ऊपर आज हम लोग काम करेंगे। इसको 2 साल में मैंने कुछ टच नहीं किया था। आज 2 साल के बाद इसको हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे, प्रॉपर बॉन्साई सॉइल में लगाएंगे। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड टू थ्रिलर बॉन्साई। लेट अस स्टार्ट आवर वर्क ऑन दिस गुलमोहर ट्री। सबसे पहले इसका व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। दैट्स हाउ इट इज। बहुत बार इसको कट किया था हम लोग ने। सो आप देख सकते हो फ्रॉम दिस ट्री पहली बार इधर कट किया था हम लोग ने, तो उसने साइड ब्रांच प्रोड्यूस किया था व्हिच वाज दिस, जो आगे ग्रो करने के बाद यहाँ पे उसको कट किया था। दिस वन गॉट डाइड एंड यहाँ से नया ब्रांच निकला था एंड पीछे से और एक निकला था, लेकिन ये डोमिनेंट नहीं था, ये डोमिनेंट था। सो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा था। सो उसको हम लोग ने यहाँ पे कट करने के बाद इसको नए ब्रांचेस निकलने स्टार्ट हो गए, बट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम दिस स्टार्टेड टू डाई एंड ये भी मर गया है, ये भी मर गया है। एंड आफ्टर दैट यहाँ से उसने एक शूट प्रोड्यूस किया था, स्टार्टेड टू ग्रो ओवर हियर एंड थोड़ा हरा भी दिख रहा है। सो दिस वन इज डेफिनेटली आई थिंक अलाइव। सो लेट्स वर्क ऑन दिस ट्री, देखते हैं इसके रूट्स कैसे। इट्स एज आई ऑलरेडी सेड, इट्स अ स्पेशल ट्री फॉर मी बिकॉज ये मेरा फर्स्ट बॉन्साई ट्री है जो कि अपने आप आया था मेरे घर पे। सो देखते हैं अभी कि हाउ आर द रूट्स ऑफ दिस ट्री। सबसे पहले इसका बोर्ड रिमूव करते हैं एंड इसकी सॉइल को अपने को रिमूव करना होगा। सो आई एम गोना स्टार्ट रेकिंग ऑफ द सॉइल स्लोली। इसको मैंने 2-2.5 साल पहले इस पॉट में लगाया था, तब से लेके मैंने सिर्फ प्रूनिंग किया इस ट्री को, कभी रूट्स के ऊपर काम नहीं किया। सोचा 2 साल इसको अच्छे से ग्रो होने देते हैं एंड देन वी विल सी हाउ थिंग्स शेप अप। बट बिकॉज दिस सॉइल इज नॉट गुड, आई थिंक ये वेल ड्रेनिंग सॉइल नहीं है, ये रेड सॉइल है अपनी, सो इट्स नॉट वेल ड्रेनिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्लांट इट इन अ वेल ड्रेनिंग सॉइल। I'm gonna be very careful with the roots, so slowly मैं soil को remove कर रहा हूँ। I'm not in a hurry to mess up with the roots. So you can see so many roots are coming out, so this was definitely not healthy for some reason. इतने सारे roots जो निकल रहे हैं, they should have been more stronger. ये हो गया अपना रूट बॉल रिमूव एंड अभी हम लोग थोड़ा इसमें से जो बचा हुआ सॉइल है
We'll try to remove that one now. Parallelly, I'm checking the roots also. आप देख सकते हो कैसे रूट्स इसके दिख रहे हैं, सो इट्स लुकिंग हेल्दी डेफिनेटली. जो वीक रूट्स हैं, दे आर ऑलरेडी कमिंग आउट. कुछ रूट्स बहुत लंबे हो रहे हैं, डेफिनेटली उनको प्रून करना ही होगा, सो विल कट इट. पुराना सॉइल हम लोग ने सारा रिमूव कर दिया है. काफी हद तक रिमूव हो गया है. अभी थोड़ा रूट्स को हम लोग वॉश करते हैं. मेरे पास पानी है, इसमें मैं जस्ट डिप करने वाला हूँ रूट्स को. क्लीन एवरीथिंग अप. बचा हुआ सॉइल है वो हम लोग को रिमूव करना है. एंड कैन इवन यूज दिस ब्रश टू क्लीन ऑफ एवरीथिंग. सो नीड टू बी वेरी केयरफुल कि कोई रूट ब्रेक ना हो. एट द सेम टाइम सारा जो मिट्टी है, फंगस है, जो कुछ भी है, दैट वी हैव टू रिमूव इट. सो लुक्स ओके नाउ. चलिए अभी रूट्स के ऊपर काम करते हैं एंड उसको बोनसाई पॉट में लगाते हैं. सो गाइस, इस ट्री को हम लोग लगाएंगे इस ब्यूटीफुल ब्लैक पॉट ने, जो मैंने कस्टमाइज करके लिया था फ्रॉम वी ग्रीन अमेज़न स्टोर. सो वो बहुत अच्छे बोनसाई पॉट बनाते हैं, अलग अलग कलर के ऑन योर डिमांड, विच आई रियली लाइक. सो आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर दिस ब्यूटीफुल पॉट. एंड आप भी जरूर चेक कर सकते हो, वी ग्रीन इज अ वेरी गुड स्टोर ऑन अमेज़न. एंड इसमें हम लोग इस प्लांट को लगाने वाले हैं जस्ट लाइक दिस. सो इट्स गोना फिट नाइसली. लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा रूट्स के ऊपर और काम करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज देर आर सम रूट्स विच आर गेटिंग टैंगल्ड. वो हम लोग टैंगल उसका रिमूव करेंगे सबसे पहले. एंड जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं उनको प्रून करेंगे. वी वॉन्ट द रूट्स टू ग्रो इन अ नाइस रेडियल पैटर्न. सो जो रूट्स ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, दिस रूट इज ग्रोइंग इनवर्ड्स. यहाँ से क्रॉस हो रहा है एंड इट्स ग्रोइंग इनवर्ड्स. सो दैट्स नॉट अ गुड रूट टू कीप. तो हम लोग उसको रिमूव करेंगे. आई एम जस्ट गोना प्रून इट ऑफ हियर, जहाँ पे वो बेंड हो रहा है.
एंड विल अलाउ इट टू ग्रो फ्रॉम दैट स्पॉट. नए रूट्स वो प्रोड्यूस करेगा. दिस इज अनदर रूट विच इज ग्रोइंग. दिस इज फाइन, दिस इज लुकिंग ओके. ये एक है रूट जो इस तरफ ग्रो हो रहा है विच वी डोंट वॉन्ट टू कीप. सो इसको हम लोग प्रून करेंगे थोड़ा सा. एंड देन वी वॉन्ट टू कीप ऑल द रूट्स दैट आर ग्रोइंग इन अ रेडियल पैटर्न एंड वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल द रूट्स दैट आर नॉट ग्रोइंग इन द रेडियल पैटर्न. सो सबसे पहले हम लोग प्रून करेंगे उन रूट्स को जो बेंड हो रहे हैं. दिस इज लुकिंग गुड बट यहाँ से वो बेंड हो रहा है. अब देख सकते हो कि यहाँ तक वो स्ट्रेट है बट आगे से वो बेंड हो रहा है. वी कैनॉट कीप इट लाइक दिस. बेंड हो रहा है. सो विल प्रून इट ऑफ हियर. नो वरीज, इट विल प्रोड्यूस नाइस न्यू रैमिफिकेशन. नए रूट्स निकलेंगे वहाँ से और ज़्यादा स्प्रेड होंगे. देन वी हैव दिस इज लुकिंग गुड. ये रूट जो है वो बेंड हो रहा है एंड देन टर्न हो रहा है राइट साइड में. सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी मे थिंक ऑफ प्रूनिंग बिकॉज ये रूट इट्स नॉट लुकिंग दैट रेडियल राइट. थोड़ा सा राइट में मूव हो रहा है बट इट्स वन ऑफ द मेजर रूट्स ऑफ दिस ट्री. सो आई एम जस्ट थिंकिंग वेदर टू कीप इट और लेट इट गो. सो उसके बारे में हम लोग सोचते हैं. थोड़ा हम लोग प्रोफाइल प्रूनिंग देते हैं तब तक बाकी के रूट्स को ताकि और ज़्यादा नए रूट्स प्रोड्यूस करेगा वो जब भी हम लोग उसके टिप्स को प्रून करेंगे. थोड़ा जस्ट टिप्स को थोड़ा सा ही हम लोग प्रून करेंगे. वी डोंट वांट टू रिमूव मेजर रूट्स हियर. यस नहीं. एंड देन वी विल थिंक ऑफ दिस रूट. आई थिंक दिस वन इज गुड. वी आर थिंकिंग ऑफ दिस रूट बिकॉज ये थोड़ा सा क्रॉस जा रहा है. I think we can keep it for now. इतना बुरा नहीं लग रहा है वो. These are all radial roots. ये एक ही root है but it's major but it's growing sideways. That's what I'm thinking of. क्या उसको रिमूव करें कि रहने दें? So एक saying है Whenever in doubt, cut it out. So, मैंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग उसको कट करेंगे. So that's what we are gonna do now. Whenever in doubt, cut it out. So जहाँ से वो बेंड हो रहे हैं उधर I'm just gonna prune it, just like this. ये हो गया अपना root remove. And आप देख सकते हो immediately it started to look very beautiful because sab radial roots dikh rahe abhi apne ko. The one that was not radial that we just got rid of. Usko shayad se hum log flush karna chahenge. That's okay, it will heal over time. So naye roots we wanted to grow in a radial way. Looking good now. I think we should be good to pot this one now. Okay, so we are about to pot this particular tree in our pot. So ये pot हम लोग use करने वाले brand new pot है ये and इसमें इस tree को हम लोग ऐसे fit करने वाले. It would look amazing, isn't it? एक बार उसकी positioning को देखेंगे हम लोग. How the branches are. कुछ dead branches भी है उसको. We are gonna see the positioning. सभी sides से हम लोग देखने वाले. Definitely not this. So this is only way that we can fit this particular tree. So there is no other way in which it will look good. Definitely not this. So हम लोग यही direction में रखेंगे इस tree को. एंड आगे पीछे इट हैज़ टू बी इन द सेंटर. एंड टिल्ट देना है कि नहीं वो भी सोचेंगे. सो फ्रॉम द साइड हम लोग टेकेंगे टिल्ट देना है कि नहीं. सो इफ यू गिव टिल्ट इट विल लुक लाइक दिस. मेक इट स्ट्रेट इट विल लुक लाइक दिस. बार के स्ट्रेट. सो मैं कोशिश करूँगा इसको स्ट्रेट ही रखने का सो दैट इट विल लुक ब्यूटीफुल. इसको ज़्यादा टिल्ट नहीं देंगे हम लोग एंड एट द सेम टाइम सेंटर में रखेंगे. सो एक लेयर ऑफ सॉइल नीचे हम लोग ऐड कर देते हैं. नहीं तो क्या होता है द प्रॉब्लम इज अगर आप लेयर ऑफ सॉइल ऐड नहीं करेंगे नीचे तो ये जो नीचे के रूट्स हैं वो रॉट होने लगेंगे बिकॉज पानी जमता है ना पॉट के नीचे में. बिकॉज दिस इज नॉट अ वी शेप पॉट की सब ड्रेन आउट हो जाए तो थोड़ा पानी रहता है एकदम बॉटम में. सो वी वांट टू कीप अ लेयर ऑफ सॉइल इन द बॉटम टू अवॉइड एनी रूट रॉट सिचुएशंस एट द बॉटम. तो उसकी वजह से मैं एक लेयर ऑफ सॉइल डेफिनेटली ऐड करूँगा. दिस इज अ फ्रेश बोनसाई सॉइल दैट आई एम यूजिंग. मेरा वीडियो भी है बोनसाई सॉइल कैसे बनाते हैं उसके ऊपर. वो आप जरूर चेक कीजिएगा अगर आपने देखा नहीं होगा तो. एंड इसके ऊपर आई एम जस्ट गोना प्लेस दिस ट्री इन सच अ वे दैट द रूट्स आर इन अ रेडियल वे. दे आर स्प्रेड आउट इन अ रेडियल पैटर्न
दिस शुड बी इन द सेंटर एज वेल. सो मैं सभी साइड से इसको देख रहा हूँ. हाउ दिस इज लुकिंग, दैट्स लुकिंग कूल. सो इसमें थोड़ा और सॉइल ऐड करते हैं हम लोग, या थोड़ा हाइट और दे सकते हैं हम लोग, ताकि थोड़े रूट्स एक्सपोज हो जाएंगे तो मस्त दिखेगा. और सो लेट्स इंक्रीज द हाइट ऑफ दिस ट्री लिटिल बिट. सो बीच में मैंने सॉइल ऐड किया है ताकि वी कैन गेट अ गुड हाइट दिस ट्री लाइक दिस. एंड जो रूट्स है दे विल ग्रो डाउनवर्ड्स ऐसे. पर हम लोग और सॉइल ऐड करेंगे. सेंटर से लुक्स गुड. चलिए और थोड़ा सॉइल ऐड करते हैं. सॉइल को रूट के अंदर अपने को पुश करना होगा टू स्ट्रेंथन दिस ट्री अप. अब देख सकते हो कि कैसे हिल रहा है अभी ये ट्री. हाउ दिस इज लुकिंग आई विल जस्ट शो यू क्विकली. ऐसे दिख रहा है ये ट्री फ्रॉम ऑल द साइड्स. इट्स लुकिंग लाइक दिस. लेट्स होप इट रिकवर्स सून दो. मीन टाइम इट्स स्टिल लूज सो इसको टाइटन अप करते हैं अभी. सो इस स्टेप को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ आप लोग के लिए. That's it. ये थोड़ा सा लूज अभी भी लग रहा है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंस्टॉल हो जाएगा.
वाटरिंग के बाद भी थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा, थोड़ा सा हिल रहा है, सी यहाँ से थोड़ा कर सकते हैं क्या हम लोग। ओके आई थिंक इतना सही लेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। Now it's looking good. तो फिर टाइट है अभी, इसको हम लोग थोड़ा वाटरिंग करते हैं पहले। Now we have to allow it to recover in shade. और इसके अपडेट्स मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में देते रहूंगा। This is the final look of this beautiful gold mower tree. So guys, आज के अपडेट में है ये ब्यूटीफुल लिंडन ट्री, एंड एज यू कैन सी इट हैज स्टार्टेड टू प्रोड्यूस न्यू शूट्स ऑन द टॉप। ये एक है एंड नीचे भी एक और शूट है विच इट इज प्रोड्यूसिंग हियर, जो कि फोकस नहीं होगा बट आई कैन ट्राई। सो ये जो है ये सेकेंड शूट है जहाँ से नया बर्ड निकल रहा है। सो इट्स गुड टू सी दैट इट इज ग्रोइंग, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो दूसरा जो ट्री है उसके बाजू में ही। सो इवन दैट हैज स्टार्टेड टू प्रोड्यूस स्मॉल बड्स फ्रॉम द साइड। सो ये लिंडन ट्री है जो कि अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छे से नहीं बोल सकते बट इट इज इट्स ग्रोइंग, इट्स अलाइव। एंड इसके बाजू में वी हैव दिस ब्यूटीफुल रॉयल ओक। सो रॉयल ओक को भी नया शूट्स आ गया है, एंड दिस इज इन दिस सीजन, मतलब पिछले एक महीने में ही ये दो नए बर्ड्स आए थे यहाँ से ऊपर से, एंड they have produced these beautiful two new shoots. So it was dormant for quite few months, but abhi aap dekh sakte ho ki naye shoots usne produce kiye, and this one is doing good. Halanki ye jo old branch tha that is a bit struggling, niche se leaves uske jhad rahe, but it's fine I think. Still the tree is looking good and healthy. So this is royal oak, jo ki England ka national tree hai. एंड उसके बाद आई विल ऑल्सो लाइक टू अपडेट यू अबाउट कदम ट्री विच इज ग्रोइंग वेल आफ्टर द रिपोर्टिंग। एंड उसके बाजू में ये सिल्वर होके जिसके ऊपर हम लोग ने लास्ट वीडियो में काम किया था, एंड इवन दैट ट्री लुक्स लाइक इट हैज सर्वाइव्ड, एंड उसने नए शूट्स भी प्रोड्यूस करने चालू हो गए। नीचे से आप देख सकते हो दीज आर न्यू शूट्स दैट इट हैज प्रोड्यूस्ड यहाँ पे, एंड इवन ऑन टॉप इट्स ग्रोइंग, इट्स प्रोड्यूसिंग न्यू शूट्स। So that's good. So guys, next tree in our update is this guava tree, and it's doing good. आप देख सकते हो हालांकि किसी insects ने थोड़ा बहुत उसको खाया है उसके ऊपर के leaves को, but the good thing is that you can see that flowering आ रही है उसको अच्छे से, so which is looking really amazing. And यहाँ पे आप देख सकते हो दो birds आ गए थे, even the tree is so small, still we are getting these flowers, and शायद उसको guava fruits भी लग सकते हैं in future. So this is our beautiful guava tree. And पीछे You can see all these trees. एक के ऊपर एक अरेंज करके रखे। That's how it's looking as of now. So guys, that's it for today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए, एंड टू सब्सक्राइब टू थ्रिलर बॉन्साई, एंड मेक श्योर दैट यू गो ग्रीन, स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज एंड हेल्प द नेचर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।